प्रस्तावित हवाई अड्डा निर्माण कार्य का बोरियो के विधायक लोबिन हेमरम ने ग्रामीणों के साथ पुरजोर विरोध किया है। उनका कहना है कि सरकार के मंत्री ने हवाई अड्डा निर्माण में किसी को भी विस्थापित नहीं करने की बात कही है, जबकि 18 गांव के ग्रामीणों के विरोध के बाद भी जिला प्रशासन ने पीर दरगाह के पास हवाई अड्डा निर्माण के लिए सर्वेक्षण किया है। यह हवाई अड्डा पीर दरगाह को छोड़ दूसरी जगह अगर बनता है तो वे इसका पूरा सहयोग करने को तैयार है। इसके लिए जल्द ही लोगों के द्वारा डीसी के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपने का भी काम किया जाएगा। बता दें कि ग्रामीणों ने हवाई अड्डे के बनने के विरोध में कई बार डीसी को आवेदन भी दिया है, लेकिन अब तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो साहेबगंज में हवाई अड्डा बनाने को लेकर के प्रस्ताव दिया गया है और अब इसको लेकर के विवाद सामने आ रहा है, जहां लोबिन हेमरम के साथ साथ ग्रामीणों ने लगातार इसका विरोध किया है और उनका कहना है कि अगर ये किसी दूसरी जगह बनता है तो उनका सहयोग इसे दिया जाएगा, लेकिन अभी काफ़ी नाराज़गी खास करके ग्रामीणों में देखने को मिल रही है। लोबिन हेमरम ने सीधे शब्दों में कहा है कि हम जान दे देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। हवाई अड्डा निर्माण करने का प्रस्तावित है और इसमें केंद्रीय टीम भी आई है और इसके बाद राज्य की टीम भी, और वो लोगों ने सर्वेक्षण किया है कि यहाँ पर एक हवाई अड्डा का निर्माण किया जाएगा, जबकि यहाँ के सारे इस इलाके के लोगों ने इसका विरोध किया है और इसी जगह 10,000 के तादाद में लोग जमा थे और यहाँ विधायक एक हम प्रतिनिधि होने के चलते इन लोगों ने हमको आमंत्रित किया था और हमने खुले शब्दों में इसी जगह से हमने कहा था कि यहाँ पर हवाई अड्डा का निर्माण नहीं होगा और हमने डीसी साहब को उस दिन फोन पर भी बोला और डीसी साहब का यही कहना था कि ठीक है आप लोग इसके अगेंस्ट में आप लोग एक आवेदन दे दीजिएगा। कई बार आवेदन भी दिया गया लेकिन अभी तक वो प्रस्तावित है और इसका हम लोग पुरजोर विरोध। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रीतम जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोनलाइन में। प्रीतम, जानना चाहूंगी हवाई अड्डा बनाने का जो ये प्रस्ताव दिया गया है साहिबगंज में, पूरा मामला क्या है और ग्रामीण इसका क्यों विरोध कर रहा है? जी, मैं बता दूं कि ये पूरा मामला साहिबगंज के बोरियो प्रखंड पीर दरगाह के पास है, जहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा और साहिबगंज में हवाई अड्डे निर्माण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था। इसको लेकर बीते माह केंद्रीय टीम का भी प्रस्तावित स्थल पर दौरा हुआ था और राज्य के भी टीम का दौरा हुआ था और टीम ने इस जगह को काफी उपयुक्त माना था। ये साहिबगंज शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर हवाई अड्डा प्रस्तावित है, ऐसे में केंद्र और राज्य दोनों की टीम ने इस जगह को उपयुक्त माना था, क्योंकि इसी प्रस्तावित हवाई अड्डा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अपनी सहमति जताई थी। इसी को लेकर बोरियो के विधायक लोबिन हेमरम का भी कहना है कि प्रस्तावित एरिया जहाँ पे हवाई अड्डा निर्माण होना है, इस जगह पे कई गांव के लोग विस्थापित होंगे और ऐसे में ये जगह को छोड़कर अगर जिला प्रशासन कहीं अन्य जगह अगर हवाई अड्डा का निर्माण कराए तो उसके लिए हम लोग भी सहयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे विस्थापित होने वाले ग्रामीण यहाँ पे जो और साथ में इन्होंने अपने सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जो सरकार जल जंगल जमीन की रक्षा करने की बात करती है वही सरकार इस जगह पे हवाई अड्डा निर्माण कराने को लेकर यहाँ पे उत्सुक है। जी बिल्कुल प्रीतम, तो अब गांव के लोगों का जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, विरोध देखने को मिल रहा है, तो सरकार की तरफ से क्या कोई पदाधिकारी यहाँ पर मिलने आया, उनका क्या कुछ प्रतिक्रिया रहा इस पर? देखिए, चूंकि इस मामले में एक बार पूर्व में भी ग्रामीणों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था, उस मामले में भी लोबिन हेमरम ने उस प्रदर्शन को भी बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया था और फिर से इस तरह का होता। कई बार ग्रामीणों ने इसकी शिकायत तो स्थानीय प्रशासन को भी की है, तो हालांकि प्रशासनिक स्तर पे अभी इस मामले में कुछ भी नहीं बताया गया है और जहां तक मोरी विधायक लोबिन हेमरम कहना है कि इस मामले को लेकर वो डीसी से मुलाकात करेंगे, अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग समाहरणालय के सामने धरना प्रदर्शन करके इसका विरोध करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतम तमाम जानकारियों के लिए। तो यहाँ पर साहिबगंज से एक खबर सामने आई है जहाँ हवाई अड्डा बनने को लेकर के विवाद जन्मा है। यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो इसका पुरजोर विरोध कर रहा है, क्योंकि जब इसका प्रस्ताव रखा गया था तो यहाँ पर विस्थापितों की कोई बात नहीं की गई थी।